और ये लड़के हैकर हैं, छोटे छोटे लड़के। हमारा बस नहीं चलता तो नहीं तो हम लड़कों को 315 पकड़ा देंगे, उड़ा दे। कलेक्टर बनाओगे कक्षा 5 में? एक आदमी आईएएस बनने का तो मोहल्ले के बाकी लोग भी चले गए। शिक्षा ने सिर्फ एक काम किया पिछले 30 साल में, आप पढ़ो और नौकर बनो। शिक्षा का काम है पढ़ाओ, दिमाग को जिंदा करो और व्यक्तित्व का विकास करो, और हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। हमें आईएएस बनना है, नेता बनना है, बिजनेसमैन बनना। कोई जरूरी नहीं कि तुम आईएएस की ही तैयारी करो। इस देश में एक और रोग है, एक आदमी आईएएस बनने का तो मोहल्ले के बाकी लोग भी चले गए, और अगर गांव में एक आदमी बन गया तो बाकी गांव का जीना हराम। अब गांव का लड़का आईएएस बन गया, प्रॉपर आईएएस, 15वीं रैंक। अब आ गए पूंजीपति शादी करने के लिए, मंत्री जी आ गए और बोले पूरे घर में सबको, कितने भाई हो भाई तुम? ये बाबू जी हम तो 2 भाई है, मम्मी है, पापा है, 4 लोग। अच्छा, 4 ऑडिटर दो इनको जी। वो दिल्ली वाला जो बंगला है वो चांदनी चौक वाला दे दो इनको, चाहे तुम लोग यहाँ झोपड़ी में रहते जाओ, दिल्ली जाओ। कुत्ता भी है इनके लिए, कुत्ते के भी गाड़ी दो एक। और बाबू जी क्या हाल है? अरे साहब हम तो बढ़िया है। इनको दे दो 15-20 करोड़ रुपया, कम है 25 दे दो। बाबूजी 4 दिन से कानपुर में एडमिट है। 25 करोड़। अब समाज ने देखा, अब सब लौट लौट के अपने घर गए, तुम्हारे बाप ने तुम्हारा कॉलर फाड़ लिया, तुम फर्जी फंस गए जीवन। मतलब तुम्हें फंसना नहीं था लेकिन उस एक घटना ने तुम्हारी जिंदगी पलट दी उठा। तुम्हारी अम्मा रो रही है, हम लोग यमुना में समाधि ले लेंगे हम। तुमको मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि अम्मा हम जा रहे हैं तैयारी करने, और अब बस महादेव जाने। यार कोई जरूरी नहीं कि तुम आईएएस की तैयारी करो, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, एकदम नहीं है। तुम्हारी इच्छा है तो करो, वरना तुम अपना अपना गोल सुनिश्चित करो। तुमको बिजनेसमैन बनना है, एकदम बनो यार, पैसा कमाओ 4-5 हजार करोड़ रुपया, 10 हजार करोड़। वैसे भी हिंदुस्तान के माँ बाप इतना अपने बच्चों को परेशान करते हैं ना भाई साहब, अरे बाप रे बाप। हम तो जब कभी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने बस पे जाते हैं, बस आती है सोसाइटी में, तो माँ बाप वहां खड़े होते हैं। हमारा बस नहीं चलता तो नहीं तो हम लड़कों को 315 पकड़ा देंगे, उड़ा दे। जाते जाते चरस कर, वो बेटा वो पोयम वाली पोयम देख लो बेटा, पोयम देख। एक हाथ से मुंह में डाले जा रहे पराठा, दूसरे हाथ से पोयम देख लो, पोयम देख लो, पोयम। अबे जाने दे भैया, कलेक्टर बनाओगे कक्षा 5 में? अरे ये तो समझो टेक्नोलॉजी डेवलप अभी नहीं है, नहीं तो माँ के पेट में पढ़ा देंगे। अगर वो अभिमन्यु वाली टेक्नोलॉजी आ जाएगी ना कि गर्भ में ही सिखा दिए, तो वही लगा देंगे तार। वो तो तुम कहो ये तो अच्छा, अभी वो टेक्नोलॉजी आई नहीं है, तो लगा देंगे तार वार जोड़ देंगे ले आके अंदर। ले भैया वो इकरा वाले सेमिनार रहे ना, सुन ले। अब देखो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, लेकिन लड़के बहुत तेज हैं नई जनरेशन वाले, इनके भी 4 हाथ आगे हैं। वो अपना लैपटॉप पे बैठ के पढ़ रहे हैं और वो टीचर को भी उल्टा सीधा कुछ पढ़ा देते हैं। तो मैडम हैंगिंग सिस्टम हैंगिंग, पता लगा मुंह भी देख रहे, कुछ समझा दे रहे मैडम को। मैडम की शिकायत आ रही कि 10 दिन से आपका लड़का क्लास नहीं कर रहा, ऑनलाइन क्लास। लड़का कह रहा वो पापा वो सिस्टम हैंग हो जा रहा है। और ये लड़के हैकर हैं, छोटे छोटे लड़के, सब हैकर हैं ये, हैक ही कर देते, स्कूल की साइट हैक कर दिए, बंद हो गया। उसका डोरेमोन देख रहे हैं सब, स्कूल वाले परेशान है कि भैया साइट हैक हो गई, साइट वेरी टेक्नोलॉजी पापा ये लड़के भी 5 हाथ आ गए।